कच्चा पोटरी है और ये सिविल लाइन में पड़ती है। अंदर का दिखाती हूँ आपको, बहुत सुंदर आइटम है। तो आप जयपुर में रहते हो या जयपुर से बाहर रहते हो, जब भी आए या विजिट करने आ सकते हो। तो बस अंदर चलते हैं हम। जयपुर की प्रसिद्ध कलाओं में से एक कला यहाँ की ब्लू पोटरी भी है, जिसका बंदेज, लहरिया, जो भी यहाँ टूरिस्ट आता है उसके साथ साथ ब्लू पोटरी का सामान जरूर लेके जाता है। इसका मूल बेस वैसे तो मध्य एशिया है, पर अब जयपुर का नाम इस कला के साथ जुड़ गया है। अब जयपुर में आमेर या सागानेर जाओगे ना, तो वहाँ काफ़ी फैक्ट्री आपको दिखेंगी ब्लू पोटरी के सामान की, जहाँ वो तैयार किया जाता है ब्लू पोटरी का सामान। और समय के साथ साथ अब ये कला भी मॉडर्न होती जा रही है। पहले बस प्लेट बनती थी, पॉट्स बनते थे, और अब तो आप देख सकते हो सारी ज्वेलरी भी बनने लगी हैं, शो पीस बनने लगे हैं, बहुत कुछ बनने लगा है। जो दरवाज़ों में हम हैंडल होते हैं वो भी बनने लगे हैं। ज्वेलरी बहुत ही सुंदर सुंदर लगी हुई हैं, आप देख सकते हो, सब कुछ दिखा रही हूँ आपको। शो पीस अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, और जो आप सामने देख रहे हो, जो मैं ये दिखा रही हूँ, ये जो हैंडल होते हैं जिनसे नॉब्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो हैं, तो इनको आप लगाते हैं, इनमें पेच होते हैं, और इनको ले जा सकते हैं आप इनको ख़रीद के, और बहुत ही सुंदर लगते हैं, जैसे ड्रॉवर वगैरह में लगते हैं, अलमारियों में लगते हैं। और ये बीट्स हैं जिनसे आप ज्वेलरी बना सकते हो घर में ले जाके, जिसकी बहुत सुंदर ज्वेलरी बनती है। यहाँ से बीट्स ले जा सकते हो आप, और आप सुंदर सुंदर ज्वेलरी बना सकते हो, क्योंकि मार्केट में ज्वेलरी बहुत महंगी मिलती है। हमने कई बार ली है इस टाइप की ज्वेलरी। अच्छा, थोड़ा सा बताओ, चलो इनके बारे में बताती जाओ। बेसिकली ये जो ब्रांड है ये स्टार्ट करी थी मिसेज लीला बारदिया ने, और उनकी जो डॉटर इन लॉ है नुपुर बारदिया, मुमेरी स्कूल की सीनियर भी हैं, उन दोनों ने सास बहू की जोड़ी ने इस ब्रांड को बहुत ऊंची मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन लोग के पास अब ब्लू पॉटरी को फेमस करने के लिए उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स ला दिए हैं कि आप, और इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में लेकर आए हैं वो, कि जयपुर का जो फेमस ब्लू पॉटरी की जो आर्ट है वो भी रिस्टोर हो रही है, और एट द सेम टाइम लोगों को पता चल रहा है कि ब्लू पॉटरी उनके लिए एक्सेसिबल भी हो रही है और फेमस भी हो रही है, दोनों चीज़ें हो रही है। जैसे यंगस्टर्स के लिए उन्होंने ये इयररिंग्स बनवा रखी हैं, ये इयररिंग्स हैं, ये इयररिंग्स हैं, ये जंक ज्वेलरी है, जो सारी इसमें ब्लू पॉटरी कहीं ना कहीं असिमिलेट करी हुई है। फिर आपके डेली वेयर के हाउस होल्ड आइटम्स हैं, जैसे मेरा ये हमेशा फेवरेट रहता है, मैं हर जगह हर बार किसी भी स्पेस में ये ज़रूर मेरा एक कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे नीरजा ब्लू पॉटरी जो है जेकब रोड पे, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, यू शुड विजिट। ले जी, कुछ पसंद आ रहा है? अरे वाह, पहले तो क्या था, जिससे कि इसका नाम है ब्लू पॉटरी, तो ब्लू ही कलर यूज करते थे, पर आजकल तो इसमें कई कलर आने लगे हैं, पीला आने लगा है, हरा भी आने लगा है, तो काफ़ी कलर यूज करने लगे हैं। तो आप जैसे पॉट देख सकते हो, तो कई कलर के हैं ये पॉट। पोटरी की शुरुआत, जैसा कि अभी आंचल ने बताया कि लीला बारदिया ने किया था, तो उन्होंने घर को सजाने की यहाँ बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें रखी हैं, जो कि हमारे जो साथ में सभी लोग आए हैं उनको कुछ ना कुछ सामान पसंद आ रहा है। बाबू, कुछ पसंद आ रहा है, कैसा लग रहा है सामान? ये बोन से बना है, ये बढ़िया लग रहा है। किस चीज़ से? बोन, कैमल बोन, कैमल की हड्डियों से पूरा बना है ये। जी, सुंदर लग रहा है ये, कैमल की हड्डियों से बना है पूरा। यहाँ का कलेक्शन जो है वो कलर के हिसाब से रखा गया है, जैसे नीला, पीला, सफ़ेद, हरा, लाल, हल्के और डार्क शेड में आपको यहाँ दिखेंगे। बाकी ये सब चीज़ मिलेंगी आपको यहाँ, पॉट हैं, वॉल हैं, प्लेट हैं, शो पीसेस हैं, और इतनी सुंदर सुंदर चीज़ हैं कि देख के मन खुश हो जाता है, मतलब देख के लग रहा है कि देखो मिरर भी रखा है सामने, और मतलब बहुत ही सुंदर चीज़ है। मेरी आदत है ये बहुत ही सुंदर बोलने की, पर देखिए आप खुद भी देख सकते हो कि मतलब हर वैरायटी है ब्लू पॉटरी में, सब कुछ मिल जाएगा। एक आपको नीजरा
नीरजा पोट्री पे सब कुछ मिल जाएगा। आप एक बार आएंगे आपको हर चीज़ मिलेगी यहाँ, आपको जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा और बहुत खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। और ये ट्रे हैं सामने, और सच बताऊँ तो कई चीज़ तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि क्या क्या चीज़ है। मतलब ये चम्मच वगैरह रखी हुई हैं, जो भी देखोगे ये लैंप रखे हैं सामने, प्लेट्स रखी हैं, और ये प्लेट्स हैं शोपीस हैं जो दीवारों पे लगाते हैं। ये नैपकिन होल्डर हैं शायद, कप प्लेट हैं, ये प्लेट हैं, स्नैक्स प्लेट हैं, ये शायद दीवारों पे जो लगाते हैं कुछ टांगने के लिए वो हैं। एक सेकंड लीजिए। वाओ बहुत सुंदर है। तो आपने देखा ये बिटिया रानी ने गले में अभी पहना हुआ था, वो भी ब्लू पोट्री का ही है, और वो ले रही है उसे, उसने दोनों ले लिए जो गले में दिखाए थे। आज हम नीरजा ब्लू पोट्री पे आए थे, तो ये सिविल लाइन में पड़ता है। जैसे कभी भी आप जयपुर आते हो या जयपुर की रहने वाले हो तो सिविल लाइन में है, और जेकब रोड करके है यहाँ, तो आप जरूर आए हैं। मैंने आपको दिखाया है और दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर सामान है। बाकी की जानकारी आंचल ने दी है, आप जानते हो जो मेरी बहू है आंचल, उसने जानकारी दे दी है, और थोड़ी बहुत इसी से बोलती हूँ तो ये देगी, इससे ज़्यादा जानकारी है। तो बस आपको दिखाते हैं सारा सामान। कुछ लिया किसी ने? वहाँ का कलेक्शन वाकई में काबिले तारीफ है। जो लीला जी हैं, नुपुर जी हैं, जिन्होंने इस शोरूम को बनाया है और बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिसका माध्यम है नीरजा पोट्री। तो ये स्पून है, और ये क्या है? वाइन बॉटल स्टॉपर। पेंसिल, बच्चों क्या आइटम? और मेरे भांजे ने ये कैमल बॉन्ड की स्टिक खरीदी है। क्या है आंचल? ये पाउच के अंदर में रखी। अरे वाह, क्या रेट है इसका? इसका है 300 रुपीज।